हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, अभी जो था वो मैं आया हुआ था इधर पार्क में वॉक करने के लिए, तो सोचा यहाँ पर ही आपसे कुछ बातें जो हैं वो शेयर कर लें। असल में आज यहाँ पर मैं आपको कुछ ये ऐसी बातें इस व्लॉग के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि आप पार्क के अंदर आकर एक तो आप वॉक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर कर सकती हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं और मुख्तलिफ तरह की यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि आप वॉक, रनिंग या जॉगिंग करने के साथ साथ और क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं तो यहाँ पर वॉक करने ही आता हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर वॉक के लिए नहीं आते बल्कि कुछ और एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और भी चीज़ें कि वो जो दूसरे लोग होते हैं वो यहाँ पर क्या करने आते हैं। तो चलें, ये भी यहाँ मज़ीद आपको दिखाते हैं जी चीज़ें। फ्रेंड्स, ये देखें, ये बहुत से आपको पत्ते नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये सारे पत्ते जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, गिरे हुए हैं ये दरख्तों से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन जहाँ से जिन पौधों से ये गिरे हैं, तो मतलब वहाँ पर अब नए पत्ते जो हैं वो निकलने वाले हैं। तो बहार, यानी कि जिसको हम बहार कहते हैं, वो आने वाली है। यहाँ बहुत ज़्यादा पत्ते देखें गिरे हुए हैं। यहाँ पर ये लड़का देखें, ये एक्सरसाइज कर रहा है इधर मज़ीद। तो दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झूले हैं, ये स्विंग्स हैं। ये देखें, ये लोग, ये बच्चे यहाँ पर स्विंगिंग कर रहे हैं, और ये जिसको हम बोलते हैं स्लाइड, स्लाइड्स हैं, और यहाँ पर ये भी स्लाइड्स और स्विंग्स लगे हुए हैं। तो मुख्तलिफ तरह के बच्चों को भी आप अपनों को लेकर आके पार्क के अंदर जो है वो फन जो है वो करवा सकते हैं, अच्छा इंटरटेनमेंट उनको दिलवा सकते हैं, यहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ जो है वो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, ये यहाँ पे आप एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, यहाँ पे चेनिंग बार वगैरह लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये यहाँ पे दो लड़के जो है, ये देखें, ये खड़े हैं, ये भी यहाँ पर एक्सरसाइज की गर्ज से खड़े हैं। और मुख्तलिफ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी दोस्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छे फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, किन्नू खा रहे हैं। और देखेंगे यहाँ पर अपनी अपनी एक्टिविटीज़, अपने अपने चॉइस के मुताबिक यहाँ पर आप अपने काम जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पर परफॉर्म जो है वो कर सकती हैं, और अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर अच्छा इंटरटेनमेंट जो है वो उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्विंग्स हैं, झूले हैं, और मज़ीद अभी एक नया ट्रेंडिंग जो चल रहा है पार्क्स के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इन ट्रेंडिंग है बातें सारी, मतलब कि बहुत से कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्क्स के अंदर, और उस इन्वेस्टमेंट के इवज़ वो यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे, ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और यहाँ पर देखें, ये जंपिंग लगाई हुई है, ये बच्चों के लिए ये झूले लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये ट्रैपोलिन है, और ये ट्रेन वगैरह भी यहाँ पर, ये देखें, ये आपको ये ट्रेन भी नज़र आ रही होगी। तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और यहाँ से मुख्तलिफ अपनी जो इनकम है उसको भी जनरेट करते हैं। ये किसी न किसी ने यहाँ पर अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये टिकट यहाँ से देखें, ये 50 रुपीज़ की एक टिकट लगाई हुई है। तो ये भी एक अच्छा बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मज़ीद मोस्टली पार्क्स के अंदर ये बिज़नेस अभी ट्रेंड के अंदर है और ये चल रहा है। तो मुख्तलिफ लोग DCO से परमिशन लेकर तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं, और इसके ऊपर फिर वो टैक्स भी पेयर होते हैं, ये टैक्स पे करते हैं इसके लिए। ये नहीं कि ये फ्री की यहाँ पे लगी हुई हैं, ये टैक्स भी इसके लिए पे करते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है बच्चों के लिए, और बच्चों को ये जहाँ पे अच्छा इंटरटेनमेंट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत, ये ट्रैपोलिन लगी हुई है, और यहाँ पर ये देखें, ये ट्रेन है, और ट्रेन, और ये देखें, ये गाड़ियाँ, ये हेलीकॉप्टर वगैरह लगाए हुए हैं, और ये ट्रेन की पटरी है। मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए थे, देखे बैठे हुए हैं। तो गाइस, ये देखिए यहाँ पे ये बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं, और बहुत से लोग जो है वो ये देखे अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं जो कि यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये देखें, बहुत से लोग यहाँ पर फन करने के लिए बैठे हैं, ये बच्चों को अपने को टाइम पास करवाने के लिए, ये बच्चों का अच्छा टाइम इधर जो है वो पास हो जाता है। तो देखें, ये कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर इंजॉयमेंट भी जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पर देखी है कि बहुत से लोग जो अपना सेपरेट काम करते हैं, कोई ना कोई चीज़ सेल करते हैं,
और अपना रोज़ी रोटी जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ से चलाते हैं। जैसे कोई पापड़ बेच रहा है, कोई यहाँ पर गोलगप्पे लगाए हुए हैं, कोई आलू चने लगाए हुए हैं, इस तरह के बहुत से काम इन पार्क्स के अंदर जो है वो हो रहे हैं। और जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं, जो जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, जो गरीब लोग होते हैं, तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो यकीनन जनरेट यहाँ से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ये सोर्स ऑफ इनकम भी है लोगों का। तो पार्क्स के अंदर जो है वो लोगों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढ लिया है। वो कहते हैं ना कि पेट जब भूख हो तो सब कुछ, बहुत सी चीज़ें, आइडियाज़ जो हैं वो इंसान के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी मैंने देखी है जो कि मुझे अच्छी लगी है यहाँ पर भी, कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ वो मांगने की बजाय, हाँ यहाँ पर मांगने वाले भी हैं, तो वो भी हैं यहाँ पर, वो भी मैंने देखी हैं। तो बहरहाल ये सब कुछ जो है वो इन पार्क्स के अंदर हो रहा है बड़ा। लेकिन मैंने जो एक चीज़ यहाँ पर देखी है जो सबसे मुझे अच्छी लगी है, कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर एक्सरसाइज करें, यहाँ पर वॉक करें और अपनी अच्छी सेहत जो है वो बनाएं। बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ लोग आए हुए हैं, और फ़न यहाँ पे जो है वो अच्छा भला करें हैं, अच्छा भला इंटरटेनमेंट करें हैं। और कुछ मेरी तरह यहाँ पे जो है वो वॉक करने के लिए भी आए हुए हैं और वो भी कर रहे हैं, यहाँ पर वैसे ही अपना मौज मस्ती के लिए बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे आप आ सकते हैं पार्क्स के अंदर और यहाँ पे इंजॉय करें, फ़न करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, आपको बहुत सा एडवांटेज है या फ़ायदा यहाँ पर जो है वो अच्छा भला मिलेगा। चलें खैर, आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद अच्छे व्लॉग के साथ। उम्मीद आज को आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। और हाँ, दुआ में याद रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।